क्या है सहेली तेरी? इधर देखो, बताओ क्यों बुलाया मुझे घर? अब वाह भाई वाह, बड़े तेवर चढ़े हुए तेरे। आप फजूल बातें नहीं सुनूंगी मैं। साफ साफ बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ, और आइंदा अगर वहां आने की धमकियां दी ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आ गए ना तो सब किया कराए पे पानी फिर जाएगा। और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ही सब पे पानी फेर दूंगा। मेरा नाम शराफत है, जो दूर से अच्छा लगता है, मगर जब करीब आओ ना तो इसमें शर भी है और आफत भी। समझी तू? और मेरा तो कोई नाम ही नहीं है अब्बा। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। इसलिए तुम्हारी जो धमकी है ना, ठंडी है मुझ पे। मतलब की बात करो। अब भाई ना लाइन पे, अरे हम गरीबों ने क्या बात करनी है भाई, बस अपनी करोड़ों की तिजोरी में से थोड़े से चिल्लड़ अपने इस गरीब बाप को भी दे। कितने पैसे जाएंगे? ज्यादा नहीं बिटुआ, ज्यादा नहीं, यही कोई 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? दिमाग ठीक है तुम्हारा अब्बा? अपनी एक बेटी को बेच के तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो दूसरी को ब्लैकमेल करने आ गए हो? मैं यह इनकार सुनने नहीं आया। एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मैं बर्बाद हुआ ना तो आबाद मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा। समझी तू? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुझे मैं, 50 लाख का इंतजाम कर ले, नहीं तो अपना इंतजाम कर ले।